हरियाणा में कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला अधिकारियों को अपने अपने जिले की CHC सेंटरों पर कोरोना मरीजों के लिए 10-10 बेड बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसका असर धरातल पर भी दिख रहा है। करनाल के जिला अधिकारी निशांत यादव ने इंद्री में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया है और वहाँ के हालात का जायजा लिया है। आज इंद्री में विजिट की है हमने यहाँ की CHC और हर एक CHC पे करनाल में कल CM साहब की द्वारा एक VC हुई थी, जिसमें कहा गया था कि कोविड हॉस्पिटल्स में कम से कम 10 बेड हम जरूर लगाएं हर CHC में। उस सिलसिले में अलग अलग CHC हम विजिट कर रहे हैं, आज कुछ के बाद कुंजपुरा भी विजिट करेंगे। असंध में ऑलरेडी शुरू हो गई है जो हमारी वहाँ की CHC है, वहाँ पर 10 बेड लगा दिए गए हैं कोविड के। इंद्री में भी जो है आज हमने डायरेक्शंस दी हैं, तैयारी भी जो है यहाँ के SMO साहब हैं उन्होंने अच्छी करी हुई है। हमारे SDM साहब के मार्गदर्शन में हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही यहाँ भी जो है आज शाम तक या मैक्सिमम कल सुबह तक 10 बेड की तो कोविड हॉस्पिटल जो है तुरंत शुरू हो जाए, और उसमें जितने भी पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो होम आइसोलेटेड नहीं रह सकते, ऑक्सीजन फ्लो डिप कर गया उनका जो ऑक्सीजन लेवल है, तो वो यहाँ आकर के एडमिट हो सकते हैं। कुछ बेड्स को हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पे सपोर्ट करेंगे, कुछ पे इंडिपेंडेंट सिलेंडर्स रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है सिलेंडर्स के थ्रू रेगुलर रहे, ताकि कोई भी पेशेंट को परेशानी ना भुगतनी पड़े। इस पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य ये है कि पेशेंट्स को करनाल में या आसपास बड़े शहरों में ना जाना पड़े, जो आसपास के गाँव के या इंद्री कस्बे के पेशेंट्स आते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, तो वो अपना यहीं पे बेड अवेलेबल करके ले सकते हैं। कोई ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट होता है तो फिर उसको यहाँ से रेफर करके कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाएगा। CHCs के लेवल पे कर रहे हैं करनाल में, अब हमारे पास 8 CHC हैं, तो एक तो हर जगह लगभग 10 से 20 बेड लगाएंगे, तो 100-150 बेड तो वो एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहे हैं, और उसके अलावा करनाल में लगभग 750 बेड की सुविधा करनाल शहर में 17 प्राइवेट हॉस्पिटल्स और एक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के थ्रू ऑलरेडी है। तो हमारी कोशिश रहेगी 2-3 दिन में जिले में 1000 बेड हम तैयार कर दें, उसमें लगभग 750 बेड तो ऑक्सीजन बेड रहेंगे, 250 बेड ICU बेड रहेंगे। जिला में की स्थिति कंट्रोल में है, तनावपूर्ण है थोड़ी सी, क्योंकि कोविड केसेज अभी भी राइज पे हैं, बढ़ रहे हैं, अभी हमारा पीक आने में समय लगेगा, लेकिन बेड अवेलेबिलिटी के मामले में हम कंफर्टेबल हैं। कहीं पे भी अब इस तरह की शिकायतें नहीं हैं कि पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहे हों। कल्पना चावला में भी 10% के करीब बेड खाली हैं, अवेलेबल हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड की अवेलेबिलिटी ठीक है। जैसे जैसे हम CHCs को फंक्शनल करते जाएंगे, चालू करते जाएंगे, वैसे वैसे बेड की जो मारामारी है, प्रॉब्लम है, वो और समाप्त होती चली जाएगी। अगर कोई लॉकडाउन की ना पालन करे तो हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, लोगों से आग्रह भी रहेगा कि एक हफ्ते के लॉकडाउन से हमें ये फ़ायदा देखने को मिला कि जो कोरोना की इंक्रीज रेट थी, पहले 15% थी, वो आधी रह गई, अब 7%। अगर आने वाले एक हफ्ता और लॉकडाउन का हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से पीक अचीव करके और फिर धीरे धीरे केसेस कम होने लग जाएंगे। मेरे नॉलेज में बात आई है, इसको चेक करा के जल्दी सॉर्ट आउट। दुकानदार अगर इस तरह की बात करता है, भीड़ इकट्ठे करता है, वायलेशंस करता है नॉर्म्स को, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोगों को जो है ये तो देखिए स्व अनुशासन है, जो लॉकडाउन भी है एक स्तर तक ही सरकार इसमें मदद कर सकती है, इसमें तो ये सबकी लड़ाई है, लोगों को भी साथ आना पड़ेगा। अगर कोई ये मान ले कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रशासन या सरकार की ही लड़ाई है तो ये संभव नहीं है, इसमें तो लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। खुद अनुशासित रहें, ना केवल इसमें लोग साथ दें, बाकी जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो साथ दें, धार्मिक ग्रुप्स हैं वो साथ दें, मीडिया के साथी भी साथ दें, सब लोग अगर मिलकर लड़ेंगे तो जल्दी जीत जाएंगे कोरोना से, और अगर सिर्फ हम सरकार पे या प्रशासन पे छोड़ देंगे तो हमें परेशानी आ सकती है। क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से? यही अपील करेंगे कि लॉकडाउन जो लगा है इसका पालन करें, ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज घर पर ही रहें, और जितने भी ज़्यादा चीज़ें हैं, जो सामान है, जितना हो सके होम डिलीवरी के थ्रू मंगवाएं। करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने कहा कि कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी सुविधा दी जाए, उन्हें बड़े शहरों में जाने की जरूरत ना पड़े, इमरजेंसी केस को ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेजा जाए। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के नियमों की पालना के लिए लोगों से अपील की और कहा कि सरकार व प्रशासन अकेले कोरोना से नहीं जीत पाएंगे, उसके लिए आम जनता का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा है घर से बाहर तभी निकलें जब जरूरी काम हो सके तो अपने सभी काम होम डिलीवरी के माध्यम से करें। इंद्री से मैनपाल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।